ट्रीट मत करियो उस मतलब ये सीन हाँ रूल फॉलो कर सके। देखो ये रे जब तक चल सकते तब तक चलेंगे। वाओ देख सकते हो ये स्टैंड तो नहीं है पर यहाँ पर एक कावड़ रखा हुआ है। तो एक रूल ये है कि आप कावड़ को जमीन पर नहीं रख सकते। कुछ कावड़ होते हैं जिनको जमीन पर रखना अलाउड होता है, जो बड़े कावड़ होते हैं और जो कलश वाले कावड़ होते हैं, तो उन कावड़ों को आप जमीन पर रख सकते हो। पर जैसे हमारा ये कावड़ है और जैसे इस तरह के और कावड़ है, उनको जमीन पर नहीं रख सकते, उनको स्टैंड पर ही रखना पड़ता है या फिर किसी जगह ढूंढ के उस जगह पर बांधना पड़ता है ताकि ये जमीन पर ना गिरे या ना टच हो। ये भी रूल है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जितने भी रूल्स हैं अलग लोगों के हिसाब से, अलग जगह के हिसाब से अलग अलग रूल्स हैं, तो इन रूल्स में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो जितना मुझे पता चल रहा है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो सबके हिसाब से अलग रूल है। कोई कई लोगों के लिए हर एक चीज़ बहुत स्ट्रिक्ट है, कई लोगों के लिए हर एक चीज़ काफ़ी मॉडरेट है। तो कुछ ज़्यादा सीरियस मत लो, पर रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है, चाहे जितना हो सकता हो, जितना ज़्यादा हो सके रूल को फॉलो किया जाना इम्पोर्टेंट है। देखो इस तरह से हर जगह नहाने के इंतजाम होते हैं ताकि सभी कांवड़िए रूल फॉलो कर सके। तेरह जुलाई शाम के 7:30 बज चुके हैं और हम दोबारा से चल चुके हैं अपने मंजिल की तरफ। अभी भी 54 किलोमीटर बाकी है हमारे घर को पहुंचने के लिए। और मैं आपको बताने वाला हूँ सारे रूल्स, जो मेन रूल्स है वो, और कुछ छोटे मोटे रूल्स है वो भी, पर मेरे को सारे रूल्स एक बार में याद नहीं हो रहे, तो मैं आपको फ़ोन में बार बार चेक करके वो सारे रूल्स बताने वाला हूँ। तो पहला रूल जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है वो है नशा ना करें। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, गांजा फूकना चरस वरस ये सब चीज़ें अलाउड नहीं, कोई सा नशा अलाउड नहीं है, आप कोई सा नशा नहीं कर सकते हो। और अगला रूल है कि ये जो कांवड़ है आप इसको सर के ऊपर से उठा के इस कंधे पे नहीं रख सकते, और तो और किसी के भी सर के ऊपर से नहीं लेके जा सकते। एक रूल ये है कि आप कांवड़ को कहीं पे भी नहीं रख सकते, नीचे जमीन पे नहीं रख सकते, आपको स्टैंड पे ही रखना पड़ेगा। अगर आपने गलती से कांवड़ को जमीन पर रख दिया तो क्या होगा ये सोचो, तो आपको वापस वहाँ जाना होगा जहाँ से आप गंगा जल लेके आ रहे थे, और फिर वहाँ से वापस पैदल यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। मुझे अपने घर जाना है। अगर आप पैदल यात्रा शुरू कर रहे हो तो आपको पैदल ही ख़त्म करना है, क्योंकि ये यात्रा पैदल ही की जाती है। इस यात्रा में जो रूल होता है वो ये होता है कि आप अपने घर के पास में जो मान्यता प्राप्त मंदिर है, उस मंदिर के पास के गंगा नदी में से गंगा जल लेके आओगे। बम बोले की जगह बोले नरेला चैनल है, ब्लॉग बना रहा है, ब्लॉग कौन सा दिन है, ब्लॉग कौन सा दिन है, पैदल चलने का कुछ भी याद नहीं है नहीं, 9 मतलब 8 से चले पर 9 माना जाएगा। चैनल का नाम है DEEPAKK यादव दीपक यादव, पर के दो है उसमें। एडिट मत करियो उस मतलब ये सीन, हां मत करियो इसको, ये सीन बिल्कुल भी नहीं जाएगा भाई, बिल्कुल बिल्कुल भी कट नहीं होने वाला है, एक भी सीन कट नहीं करने वाला हूं मैं वैसे भी ब्लॉग में। ओके ब्रो, सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू सो मच। नदी से अपना जल लेकर के आओगे आप, और फिर अपने पास की नदी से जो जल लाए जो कि मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, पर हम लेके आए हरिद्वार से और जा रहे दिल्ली,
और जो है वो जो जल वो आप अपने घर के पास के मान्यता प्राप्त मतलब वो सर्टिफाइड वाला नहीं है, अलग है, मान्यता मतलब माने जाने वाला, जिसको माना जाता है कि इसके पीछे कोई कहानी है शिव जी से जुड़ी हुई या फिर बहुत वैल्यूएबल मंदिर शिव जी का, वहाँ पर आप उस जल को जाके चढ़ाओगे। और हमारे केस में हम लेकर के आ रहे हैं हरिद्वार से, और दिल्ली में हम रहते नरेला में, तो नरेला में हमारे शिव मंदिर है, हम वहाँ चढ़ाने वाले, क्योंकि हमारे वहाँ पर सब लोग ऐसा करते हैं, तो सोसाइटी के साथ चलना इम्पोर्टेंट होता है, जब तक कि सोसाइटी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, तो सोसाइटी के साथ ही चलेंगे हम भी। और हरिद्वार से लेकर आया नरेला जा कर के अपने गांव में, अपने टाउन में, जो कि गांव टाउन में से, वहां पर हम शिवलिंग पे गंगा जल चढ़ाएंगे। अगला रूल है नॉन वेज नॉट अलाउड, किसी भी प्रकार का मांसाहारी भोजन आप ओके किसी भी प्रकार का मांसाहारी भोजन आप नहीं कर सकते हो, सिंपल रूल है। अगला रूल पवन नीचे है और बहुत सारे नीचे कर, अब रीड मोर पे क्लिक कर, पूरी लिस्ट बना के भेजी यार मैंने टाइप कर करके। चल बता, किसी से मिसबिहेव नहीं कर सकते। हाँ, किसी से आप मिसबिहेव नहीं कर सकते, अगर कोई आपको गाली भी देगा तो आपको इग्नोर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अलाउड नहीं है मिसबिहेव करना। सुबह शाम कावड़ की पूजा की जाएगी, सुबह में आप कावड़ को नहाने से पहले नहीं उठा सकते, शाम को भी आपको नहाना होगा कावड़ उठाने से पहले। नहाने के बाद हम कंघी नहीं कर सकते। हर क्यों होते हैं इनके बाइक में साइलेंसर क्यों नहीं लगाते हैं यार? हम साबुन लगा के नहीं नहा सकते, फेस वॉश नहीं लगा सकते, कोलगेट ब्रश नहीं कर सकते, कोलगेट ब्रश करने के लिए आपको दातुन, हाँ वही दातुन लेना पड़ेगा। और ये फ्रेम कितना अच्छा आ रहा है पवन, देख बहुत अच्छा फ्रेम आ रहा है, मैं भी आ जाता हूँ इस फ्रेम में, थंबनेल निकल जाएगा इस वीडियो इस पोज में, ठीक है। तो आप किसी भी प्रकार का केमिकल यूज़ नहीं कर सकते, एक्चुअली में यार कंबाइन होके समरी में यही बनता है कि आप किसी भी प्रकार का केमिकल यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा हो रहा है कि पेन किलर खा रहे हैं, पैरों में एक सेकेंड, पैरों में पट्टियाँ भी सब लगा रहे हैं, जितने कांवड़ यात्री है सबने लगाई है, कुछ टाइम के लिए मैंने भी लगाई थी, पर उससे मेरी नसें ब्लॉक हो रही है, तो मेरी नस खिंच जा रही है, इसलिए मैं लगा ही नहीं पा रहा हूँ, इसलिए दर्द झेलते हुए चल रहा हूँ लगातार, नो रेस्ट के बाद और पानी पीने के बाद ही नहाना पड़ता है। ओके, तो टॉयलेट जाने के बाद, खाने के बाद, पानी पीने के पानी तक पियोगे ना, पानी भी नहाना पड़ता है, लेकिन हाँ वही, लेकिन एक एक्सेप्शन है, आप टॉयलेट के बाद तो नहाना कंपलसरी है, उसके लिए आप हाथ नहीं धो सकते, लेकिन बाकी चीज़ों के बाद आप क्या बात है, तो उसके बाद आप हाथ में जल लेंगे और जल को अपने सर पे छिड़कोगे और बोलोगे ओम नमः शिवाय, तो आप पवित्र माने जाओगे और फिर आप कावड़ को उठा सकते हो। आगे 5 बताया था, इसने 10 बता दिए। मैंने लिस्ट बनाई ना यार, तू सोया हुआ था तब मैं लिस्ट बना रहा था और फिर मैंने तेरे को भेजी, मेरे को याद ही नहीं आ रहे थे ये सारे, ये जितने भी रूल्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे मैंने कई कांवड़ यात्रियों से रास्ते भर में पूछे, इसीलिए मैं 2-3 दिन बाद ये सारे रूल्स आपको बता रहा हूँ व्लॉग में, ताकि बाद में कोई ये ना बोले कि तू तो ऐसे ही बोल रहा है, मतलब सारे रूल्स मैंने चेक करें। अब देखो कई कांवड़ यात्रियों को पहला रूल जो है ना बिल्कुल सुन के पसंद नहीं आया कि नशा नहीं कर सकते, उन्होंने बोला सवाल आवड़ा है कुछ नहीं आता, पर जो रूल्स है मैं वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कई कांवड़ यात्रियों ने ये भी बोला कि रूल है तो है बिल्कुल नहीं। अब एक रूल है चप्पल नहीं पहन सकते हम, लेकिन आजकल के टाइम पे एक तो रोड है, रोड पे आपके पैर छिल जाएंगे, छाले पड़ेंगे, हालांकि ये काम हट योग में आता है कांवड़ लेके जाना, हट योग का मतलब आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, तो इसमें आपके शरीर को कष्ट देना होता है, जिससे शिव भगवान प्रसन्न होते हैं आपकी दृढ़ता को देख के, भक्ति को देख के, आपके कष्ट को देख के, हाँ कि आप कितना कष्ट झेल सकते हो, क्योंकि कष्ट जो है ना सिर्फ शारीरिक नहीं होता है, मानसिक होता है, कि किस टाइम पे आप गिव अप कर देते हो,
अब जब तक आपका शरीर पूरी तरह गिव अप ना कर दे कि आप बेहोश होकर गिर जाओ, तब तक आप गिव अप नहीं कर सकते। आपको कुछ भी करना ही पड़ेगा। लेकिन आपने गिव अप किया तो आपके मन में इतनी श्रद्धा है ही नहीं कि आप शिव जी के लिए जान भी दे दो। इससे ये प्रूफ होता है कि आप शिव जी के लिए जान भी दे सकते हो। इसीलिए हठ योग को हठ योग कहा जाता है। और कोई रूल नहीं बचा, खत्म। तो सारे रूल्स यहीं पर समाप्त होते हैं फाइनली। अब देखो सारे रूल्स मैंने बता दिए। मैंने ये भी बताया कि नंगे बोल ऐसे ही लंकेश्वर ने बहुत सारा तप किया था जब जाके उसको लंका की प्राप्ति हुई थी और कई सारे वरदान भी मिले थे। इसी हिसाब से हमको भी कष्ट करना पड़ता है जिससे हमको बहुत, पर हमें रावण नहीं बनना, हमें रावण नहीं बनना, पर हमें भी तो चाहिए ना जो हमें, जो हमारी इच्छा अनुसार होना चाहिए। जो हमें जरूरत होती है उस चीज़ को तो पाना जरूरी है ना। ताकि हमें भी वो सब मिले जो हमें चाहिए। रावण भी ऐसा नहीं है कि रावण गलत था। नहीं, रावण गलत था, रावण गलत था, रावण गलत नहीं बनाया, रावण गलत नहीं। हमने रावण की कई सारी कहानियाँ सुनी हैं। कई कहानियों में रावण को अच्छा भी बताया गया है और कई कहानियों में गलत भी बताया गया है। पर जिन कहानियों में उसको सही भी बताया गया है उसमें भी वो गलत है। और अगर गलत कहानी में वो गलत और सही कहानी में भी गलत है तो रावण गलत ही है। आप किसी की गलतियों को जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। कोई कमेंट में फालतू की बकवास ना करें कृपया करके, क्योंकि ये सारे रूल्स एक्सेप्ट, वर्ड मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, पर इतने भी वो नहीं है कि आपको फॉलो करने ही है, क्योंकि कोई भी नहीं कर पाता है, कोई भी नहीं करता है। तो आपसे जितना हो सकता है उतना तो आप करोगे ही। आपके आसपास के एरिया के लोग, आपकी सोसाइटी के लोग जिन रूल्स को जिस हिसाब से फॉलो करते हैं आप भी उसी हिसाब से फॉलो करोगे। जैसे ज़्यादातर कांवड़ यात्री चप्पल पहन कर ही करते हैं, कहीं कांवड़ यात्री बहुत कम बोले जो चप्पल नहीं पहनते। कहीं जूते भी पहनते हैं, जूते तो नहीं पहनते, जूते पहनने अनकंफर्टेबल हो जाएगा काफ़ी दूर का यार। मतलब पहनते हैं लेकिन कुछ अभी जो हमें मिले थे कुछ पिछले वहाँ पे हमारे साथ जो बैठे थे पंखे के सामने, उन्होंने जूता पहन रखा था। जूता जो वो पहनते जो डाक कावड़ लेके आते, डाक कावड़ वाले तो पहनते हैं क्योंकि उनको भागना होता है बहुत तेज तेज, इसलिए। तो इस तरह से सारे रूल्स में थोड़ी मोड़ी छूट मिल जाती है। हाँ, बाकी आप देख लो जो है, पर अगर आप सारे रूल्स में थोड़ी थोड़ी सी पर सारे रूल्स में आप अगर थोड़ी थोड़ी सी भी ना पर अगर आप सारे रूल्स में थोड़ी थोड़ी सी भी छूट मिल जाएगी ना तो भी आसान नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आप जूते पहन करके सारी सुविधाएं लेकर के 10 दिन में हरिद्वार से दिल्ली का वॉक पैदल कवर करोगे ना, और सारी सुविधाओं के साथ भी करोगे ना, तो भी आपके लग जाएगी तो भी परेशानी होगी। देखो गाइस, आपको दिख रहे होगे शायद, हाँ दिख रहे, ये लाइटें नहीं है, ये जुगनू है सारे, दिख रहे ये जो ब्लिंक हो रहे खेत में, देखो ये रे छोटे सही है भाई। बहुत टाइम बाद जुगनू देखा मैंने आज, बहुत टाइम बाद। 13 जुलाई एग्जैक्टली रात के 9 बज चुके हैं, पूरा रोड सुनसान है, जितने भी कावड़ है बहुत दूर दूर है, आगे भी और पीछे भी दिख भी नहीं रहे, और हम अभी भी चल रहे हैं। टाइम पे पहुंचना इम्पोर्टेंट है दिल्ली। आई होप पहुँच जाए, आई होप कि ये पैर का दर्द जरा सा तो कम हो। रात होते होते मैक्सिमम लेवल पे पहुँच जाता है। तो अब देखो वो आगे शायद आपको दिख रहे कि नहीं, पता नहीं, एक सेकेंड, वो जितने लोग चल रहे सब कांवड़ी है आगे, अभी तक सब सुनसान था, अभी हमें आगे दिख रहे लोग। हाँ आ रहे, लगता है डाक कवर वाले, हाँ डाक कवर है, डाक कवर।
चलते चलते अभी हम पहुंच चुके हैं गांव के अंदर, और अभी टाइम हो रहा है रात के 10:30 बजे। इस गांव के अंदर भी आ गए और इस गांव को क्रॉस भी कर दिया। हर गांव में एक चीज़ कॉमन होती है कि सारे लोग इस टाइम पर बाहर बैठे होते हैं और कांवड़ियों को देख रहे होते हैं। अभी भी सब लोग बैठे आपको दिख रहे कि नहीं, क्योंकि रात में क्वालिटी ले जाती है। और मेरे पीछे भी काफ़ी लोग हैं जो बैठे हुए हैं। ऐसे हर जगह कैमरा घुमाना सही नहीं लगता, इसलिए जो गांव में और गांव की लड़कियां भी होती है तो फिर कहीं कोई माइंड ना करे, इस चक्कर में थोड़ा सा सोच समझ के कैमरा घुमाना पड़ता है। और इस गांव को भी हमने क्रॉस कर लिया, बस 10 कदम की दूरी है और ये गांव क्रॉस हो जाएगा। बस बहुत देर और चलेगी, जब तक चल सकते हैं तब तक चलेंगे। एक छोटा सा आधे घंटे का ऑलमोस्ट ब्रेक लिया था हमने और हम फिर से चल पड़े हैं। हाँ, एकदम पिच डार्क के पूरा का पूरा रोड और हम चल रहे हैं दिल्ली की ओर। वाह वाह वाह, और टाइम हो चुका है पता नहीं कितना, जितना भी हुआ है अब क्या ही फ़र्क पड़ता है। जब तक नींद आएगी तब तक हम शिविर पे पहुंच जाएंगे। वैसे तो अभी शिविर से ही निकले हैं पर अभी और चल सकते हैं, और हिम्मत है, ताकत है, जुनून है, जोश है और भोले बाबा है।